हेलो एवरीवन एंड वेलकम है आपका हमारे डेवलपमेंट कोर्स में, जिसमें हम देख रहे हैं सीएसएस। और आज हम जानने वाले हैं कि विड्थ एंड हाइट क्या होती है और कैसे हम उसे सेट कर सकते हैं सीएसएस में। तो विड्थ एंड हाइट का एक एट्रीब्यूट भी होता है जो कि आप यूज कर सकते हैं सिंपली किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट में। बट आज हम देखने वाले हैं सीएसएस का यूज करके कैसे हम विड्थ एंड हाइट सेट करेंगे। ठीक है, इफ डू यू वांट टू सेट दी विड्थ एंड देन यूज विड्थ इक्वल, जो विड्थ कॉलन देना है आपको एंड जो भी आप देना चाहते हैं यहाँ पे, जो भी आप नंबर्स प्रोवाइड करेंगे वो यहाँ पे उसी टाइप की विड्थ लेगा। ठीक है, यहाँ पे हम पिक्सल में पास कर सकते हैं विड्थ को और परसेंटेज में भी दे सकते हैं। ठीक है, PX लिखना होता है पिक्सल एंड परसेंटेज के लिए परसेंट लगाना होगा। यहाँ पे आपको 100% कर दोगे तो आप वो 100% की विड्थ ले लेगा। ठीक है, अगर आप हाइट सेट करना चाहते हैं तो सेम एज इट इज, यही है सीएसएस की एक प्रॉपर्टी है हाइट नाम की, जिसमें हम वैल्यू पास करते हैं जो भी आप चाहते हैं एंड पिक्सल में पास कर सकते हैं या उसे परसेंटेज में। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने कोड पर और देखते हैं यहाँ पे कैसे किया जाएगा। ठीक है, मैंने एक फाइल बनाई हुई है ऑलरेडी ws.html, और जिसमें मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे मैं विड्थ एंड हाइट सेट करता हूँ एक एलिमेंट की। ठीक है, मैं बेसिकली यहाँ पे यूज करूंगा एक div नाम का एलिमेंट। ये नीचे स्पेस ज्यादा हो गया इधर, तो मैं इधर से हटा देता हूँ स्पेस इतना, और मैंने यहाँ पे बना लिया एक डिव। ठीक है, और डिव नहीं जानते हैं आप तो देखिए डिव क्या होता है। सिंपल एक एक एचटीएमएल एलिमेंट है जिसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर कंटेंट लिखते हैं। आप इसके अंदर कोई भी कंटेंट लिख सकते हैं, लाइक H1 या P, जो भी आप पैराग्राफ देना चाहते हैं, जो भी हमें काम करना होता है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने क्या सिंपल यहाँ पे ये डिव बना लिया। ठीक है, और मैं यहाँ पे इंटरनल सीएसएस यूज कर रहा हूँ, जैसा कि आप जानते ही होंगे। तो मैं यहाँ पे इंटरनल सीएसएस के लिए यहाँ पे स्टाइल टैग का यूज करूंगा। तो स्टाइल टैग को यूज करने के लिए आपको यहाँ पे हेड टैग के अंदर आना होता है, और यहाँ पे लिखते हैं आप सिंपल स्टाइल एंड यहाँ पे इसे क्लोज किया। और यहाँ पे हम क्या एक एट्रीब्यूट पास कर सकते हैं इसमें, जो कि इम्पोर्टेंट है अगर आप कहीं बड़े प्रोजेक्ट में काम करते हो तो, टेक्स्ट ऑब्लिक सीएसएस। ठीक है, एंड देन इसके अंदर हम यहाँ पे सीएसएस अपनी अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास है अभी एक्चुअल में डिव। ठीक है, अभी इसमें क्या है, कुछ भी शो नहीं करेगा अगर मैं यहाँ पे डिव और कॉलन लिख देता हूँ। अभी मैं सीएसएस नहीं लाया था, सिंपल इसे ओपन इन ब्राउजर करता हूँ। तो अभी आपको क्या है, यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे कुछ शो करे तो यहाँ पे आप पैराग्राफ या कोई एलिमेंट पास कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसमें प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूँ बर्थ एंड हाइट की। ठीक है, और मैं यहाँ पे पहले क्या करता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, जिससे हमें पता चल जाए कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है इसके, मतलब वरना ये इसका जो बैकग्राउंड होगा बाय डिफॉल्ट वाइट होगा। तो हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसका रेड। और अभी मैं इसे रिफ्रेश करूंगा पेज को, तो अभी कुछ शो नहीं कर रहा क्योंकि अभी हमने इसकी विड्थ एंड हाइट प्रोवाइड नहीं की है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई कलर शो नहीं कर रहा। अगर मैं यहाँ पे इसकी विड्थ एंड हाइट प्रोवाइड करता हूँ, लाइक विड्थ मैं इसकी देता हूँ विड्थ कॉलन 200 पिक्सल एंड मैं यहाँ पे ये करता हूँ रिफ्रेश, अभी भी नहीं शो करेगा क्योंकि आपने हाइट नहीं दी है। ये जानना जरूरी है कि विड्थ एंड हाइट आपको देना जरूरी है। तो यहाँ पे हम हाइट देंगे कॉलन 100 पिक्सल। ठीक है, और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो देख सकते हैं गाइज आप यहाँ पे कि 200 की विड्थ है एंड 100 की हाइट है। ठीक है, 100 पिक्सल, और आप यहाँ पे परसेंटेज में दे सकते हैं, और मैं चाहूंगा इसको 50% देना, जिससे कि क्या होगा, 50% से ये पूरी स्क्रीन की हाफ में आ जाएगा। जैसा कि मैं यहाँ रिफ्रेश करता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे जो है एक डिप जो है वो यहाँ तक की स्पेस ले ली उसने हाफ स्क्रीन की, 50% ये। अगर आप 100% दे देंगे तो वो पूरी विड्थ ले लेगा जो जितनी स्क्रीन की है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो ये विड्थ एंड हाइट सेट कर सकते हैं आप इजिली। जरूरी नहीं है आप अगर यहाँ पे जैसे मैंने अभी बनाया एक डिव, ठीक है, अगर सपोज करिए मैंने डिव पे नहीं लगाना चाहता, ठीक है, मेरे पास अगर कोई इमेज भी होती तो मैं उस पर भी सेट कर सकता था। जैसे मेरे पास अभी इसमें एक इमेज डली हुई है abc.jfif। ठीक है, ये वाली इमेज, ये है इमेज जो कि यहाँ पे अभी दिखाई नहीं देगी। मैं पहले यहाँ पे क्या करता हूँ, एक इमेज बना लेता हूँ, एक img नाम का टैग होता है जैसा कि आप जानते ही हैं, और इसके src में हम पास कर देते हैं उस इमेज का नाम। मैंने पास कर दिया abc.jfif।
अगर आपको नहीं पता है कि कैसे इमेज सेट कर सकते हैं, तो अभी आप हमारे आई बटन पर जा सकते हैं, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया GF IF, और इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, जो देख सकते हैं इमेज काफी बड़ी दिखाई दे रही है। और हम इसकी विड्थ एंड हाइट को भी सेट कर सकते हैं, IMG यहाँ पे यूज करेंगे हम, और इसकी हम विड्थ प्रोवाइड कर देते हैं लाइक 200 पिक्सल। तो विड्थ मैंने दे दी, तो देख सकते हैं यहाँ पे विड्थ में 200 पिक्सल की इमेज दिखाई दे रही है। अब मैं अगर चाहूँ तो इसको 50% भी कर सकता हूँ, और ये मैंने कर दी। ठीक है, अब ये हाफ स्क्रीन में आ रही है, मतलब जितनी बड़ी स्क्रीन है उससे आधी में। ठीक है, उसका 50% ले लिया। आप ऐसे यूज कर सकते हैं विड्थ एंड हाइट को। यहाँ पे आप हाइट भी सेट कर सकते हैं इसके अपने मन मुताबिक, जो भी आप सेट करना चाहते हैं। जैसे 100 पिक्सल कर दी मैंने, तो इसकी हाइट जो है देख सकते हैं 100 पिक्सल हो चुकी है। पर मैं तो ये कहूंगा कि हाइट को मत लाइए इमेज अगर यूज कर रहे हैं तो। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली कवर कर लेती है जितनी उसकी हाइट होती है। तो आई होप आज आपको लेक्चर समझ में आया होगा कि कैसे आप बर्थ एंड हाइट सेट कर पाते हैं। और देखिए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जो कि आपको हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, जहाँ से आप जाकर के इजिली ज्वाइन कर सकते हैं हमारे वेब डेवलपमेंट ग्रुप को। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए इसे ट्राई करें अपने लैपटॉप पर।